हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है हम आपको एक्सेल के न्यू ऑप्शन के बारे में बताते हैं, जो कि है हमारा डेटा। तो आज जो भी डिस्कशन होगा वो डेटा वाले ऑप्शन के बारे में होगा। अभी तक आप लोगों ने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और टेबल टूल्स, ये सारे ऑप्शन पढ़े हैं। आज जो है हम बताएंगे आपको डेटा का यूज़ क्या होता है, डेटा मतलब डेटा वाले ऑप्शन का यूज़ क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट का। तो शॉर्ट में आप जैसा कि है असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग सबको ही पता होगा, घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, तो यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है। तो पहले तो वो डेटा सेलेक्ट करते हैं, असेंडिंग ऑप्शन चुनेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, अगर डिसेंडिंग करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक, अब फिर हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ से अभी तो नंबर्स में था, अब यहाँ से जैसे कि अल्फ़ाबेट में अगर डिसेंडिंग करना हो या असेंडिंग करना हो, तब के लिए कि कुछ कुछ नेम हम लिखते हैं और यहाँ से शॉर्ट में जाते हैं और असेंडिंग कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, पहले से ए से स्टार्ट हुआ है, फिर ए है, फिर ए के बाद एच, फिर एच, इस टाइप से आपका शॉर्ट हो जाएगा। जो डेटा हमने ऐड किया है वो हमारा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर हो जाता है। इसी तरह से अब चलते हैं फिल्टर में। ठीक है, फिल्टर में क्या है, तो पहले तो इसे हम इरेज कर देते हैं और यहाँ से हम कुछ फॉर्मेट इंसर्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ से SR नंबर, नेम, ठीक है, और यहाँ से क्लास, अब यहाँ से मार्क, ये हमने इतना ऐड कर लिया। अब SR नंबर यहाँ से फिल कर लेंगे, सेलेक्ट किया और यहाँ से फिल किया। अब यहाँ से नेम डाल देंगे, जो भी आप फाइल में नेम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट नेम राम, श्याम, मोहन, राम, कमल, ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट नेम जो है ऐड करते हैं। ऐड नेम जो ऐड करने के बाद यहाँ से फिर आएंगे हम क्लास में। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑटो फिल्टर क्या होता है। ऑटो फिल्टर जो होता है, यानी कि कोई भी वर्ड हो उसमें फिल्टर मतलब छांटना होता है। तो यहाँ से कोई भी वर्ड या कोई भी क्लास या कोई भी नेम, तो यहाँ से हम उसे फिल्टर कर देंगे, यानी कि वो नेम जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे कि मैंने नेम टाइप टाइप किया था, क्लास टाइप किया और मार्क टाइप किया। अब हम आते हैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो फिल्टर और यहाँ से ऑटो फिल्टर पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे डेटा में फिल्टर और ऑटो फिल्टर। अब यहाँ से ऊपर देखिए, हमारे जो है कॉलम में फ़िल्टर ऐड हो गया है, SR नंबर, नेम, क्लास और मार्क। अब यहाँ से जिस नेम को फ़िल्टर करना है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे, तो जो भी नेम जिस भी कॉलम में होंगे या जिस भी रॉ में होंगे वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्लास वाइज अगर फ़िल्टर करना तो यहाँ से हम क्लास वाइज भी कर सकते हैं, अगर मार्क वाइज करना हो तो हम मार्क्स वाइज कर सकते हैं। ये है हमारा फिल्टर वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडवांस फिल्टर। ठीक है, एडवांस फिल्टर में क्या है, तो पहले तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑटो फिल्टर ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक फर्स्ट ओनली रॉ हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ से हमने कॉपी किया। अब जैसा कि हम यहाँ पे हम चाहते हैं एक नेम फिल्टर हो हमारा, तो यहाँ पे पहले तो हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट राम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर इंटर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिल्टर में जाते हैं, एडवांस फिल्टर में जाते हैं। तो पहले ऑप्शन आता है हमारा लिस्ट रेंज। ठीक है, लिस्ट रेंज जो भी एरिया हमारा सेलेक्ट होगा या जिस जितनी एरिया में हमारा वर्क हुआ है वो हमारा लिस्ट रेंज आता है। फिर आता है क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, जो भी डेटा हम सेलेक्ट करते हैं या जिस एरिया में हमने फार्मूला ऐड किया है, ठीक है, वो हमारा क्राइटेरिया रेंज होता है। फिर आते हैं कॉपी टू अदर लोकेशन। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद और ओके कर देते हैं। तो जो भी हमने फ़िल्टर लगाया था नेम पे, ठीक है, वो हमारे फ़िल्टर्स लग गए हैं। जैसे कि एक राम फिफ्थ क्लास में है, दूसरा भी फिफ्थ में है और तीसरा जो है सिक्स में है, सबके मार्क अलग अलग हैं। अब हम दूसरे जगह चेक करके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे,
तो सबसे पहले करते हैं SR नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फिल्टर, ऑटो फिल्टर ऑफ कर दिया। अब अच्छा, फिल्टर जो है ऑप्शन यूज़ करने से पहले तो सबसे पहले ऑटो फिल्टर को हमें एक्टिव करना होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना ये नहीं होगा। तब के लिए क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे श्याम लिखा था तो सेम प्रोसेस वही, इक्वल, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट श्याम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ओके कर देंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, लिस्ट रेंज पहला, फिर क्राइटेरिया रेंज जो भी देनी है हमें। उसके बाद क्या करते हैं, कॉपी टू अदर लोकेशन। जैसे कि अदर लोकेशन में हमें क्या कहाँ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए SR2 यानी कि इस पूरी रॉ में जो है दो नंबर पे श्याम है, और वो भी क्लास 5 में है, और उसके मार्क जो है हमारे 99 हैं, ठीक है। ये हमारा था फिल्टर। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसा कि हम चाहते हैं कि एक रेंज दे दें कि उस रेंज से ऊपर के बच्चे ही शो करें और उसके नीचे के बच्चे नहीं शो करें, तो यहाँ पे मार्क में जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर देन लगाएंगे। अब यहाँ से एक नंबर दे देंगे, जो नंबर हम चाहते हैं कि इससे ऊपर के ही शो करें, उससे नीचे ना शो करें, और ग्रेटर देन ऑफ करके इंटर कर देते हैं, फिल्टर ऑन कर देंगे। और यहाँ से अब क्या करते हैं, फ़िल्टर में जाके एडवांस फ़िल्टर, फिर वो सेम प्रोसेस वही करना है, लिस्ट रेंज जो हमें देनी है वो सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट रेंज के बाद आते हैं क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया में क्या है, इतना सेलेक्ट किया जितना हमें ऑप्शन या फॉर्मूला ऐड किया था। फिर आते हैं कॉपी टू अदर लोकेशन, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके ओके कर देंगे। और ओके कर देंगे क्योंकि ये कह रहा है कि इस जो आपने सेलेक्ट किया है उससे ज़्यादा एरिया में नेम आ रहे हैं, तो यहाँ से ओके कर दिया और उतने नेम बढ़ गए। अब देखिए 55 लिखा था, 55 से ऊपर सारे नाम आ गए हैं, ठीक। ये था हमारा एडवांस फिल्टर का सेकंड ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो है इसमें हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं फॉर्म पे, तो सेलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है, डेटा में आते हैं, फॉर्म पे आते हैं। अब यहाँ से देखिए फॉर्म में एक ऑप्शन आ गया है, न्यू, डिलीट, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, क्राइटेरिया और क्लोज। अब जैसा कि यहाँ से हमें एक लिस्ट में नेम ऐड करना है, तो यहाँ से SR नंबर उसका डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 है, 11 SR नंबर। अब यहाँ से न्यू नेम, ठीक है, कोई भी आप नेम ऐड कर सकते हैं, क्लास और उसके मार्क, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एक न्यू नंबर या न्यू कॉलम में या न्यू नेम ऐड हो गया हमारा, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्म वाला ऑप्शन, ठीक है। फॉर्म में क्या होता है, कोई भी एक लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें नेम ऐड कर सकते हैं या फिर उसे हटा सकते हैं। अब आते हैं सब टोटल पे। तो सब टोटल में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जो जिस फील्ड में हमें सब टोटल करना होता है, जैसा कि क्लास। अब यहाँ से यूज़ फंक्शन, तो यहाँ से हमें सम करना था। अब यहाँ से मार्क, थर्ड ऑप्शन में क्या था, मार्क वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक किया, तो हर एक क्लास का जो है हमारा मार्क वाइज डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे सबसे दे रहा है ग्रांड टोटल, तो ये आपका रहेगा ग्रांड टोटल। इस टाइप से आप जो है सब टोटल कर सकते हैं। फिर आते हैं वैलिडेशन पे। तो वैलिडेशन ये होता है, जैसा कि हम उस पर कमेंट हम ऐड कर देते हैं, या फिर जैसे कि हम यहाँ पे चेन नंबर ले लेते हैं कि ये नंबर हमारे कोई चेंज ना कर सके, ठीक है। तो वैलिडेशन पे जाएंगे, ठीक। वैलिडेशन क्राइटेरिया में आते हैं, अलाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे कि नंबर्स डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ से नंबर्स में क्या किया, यहाँ पे मिनिमम मार्क दे दिया कि इतने से इतना कम कोई ना कर सके, और मैक्सिमम दे दिया कि इतने से इतना अधिक ना कर सके, और ओके किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, उससे कम मार्क हम उसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या आता है, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ से जो आपका कीवर्ड्स दे रहे हैं वो इनवैलिड हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैसेज कोई शो करे, तो यहाँ से मैसेज टाइटल डाल देंगे, ठीक है, कि ये मैसेज हमारा उस पर शो करे जब भी कोई वैलिडेशन में कोई चेंज करता है, ठीक है। तो एरर मैसेज आए हमारा, तो यहाँ पे मैसेज हमने टाइप कर लेंगे जो हमें मैसेज उसे दिखाना है, या फिर और यहाँ पे जो है
फिर आते हैं एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में क्या है, तो वो हम डेटा टाइप कर देते हैं जो हमारा एरर शो करे, और ओके किया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एरर एरर जो एरर डिटेल है वो हमारी शो कर रही है। ये होती है वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन मतलब कि कोई भी आपके फॉर्मेट में या फिर आपके नंबर्स पे कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। इसे इरेज करना हो या रिमूव करना हो तो वहीं जाएंगे वैलिडेशन पे, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ से एनीवन लगा के ओके कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम चेंज या रिमूव कर सकते हैं। वैलिडेशन के बाद आता है हमारा ऑप्शन जो कि है हमारा टेबल्स का, ठीक है। टेबल्स क्या है, तो टेबल्स के बारे में देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ से कोई एक टेबल हम इंसर्ट करेंगे, जैसा कि 1 × 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, पहला तो ए, पहले इक्वल लगाते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्म एक्सेल में जब भी हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे इक्वल लगाते हैं, इक्वल A4 × B4, ठीक है। A4 मतलब ए कॉलम में थे और 4 जो था हमारा वो रॉ संख्या थी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद जो है हम यहाँ से एक सीरीज़ टाइप कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, इस टाइप से हम एक सीरीज़ ऐड कर देंगे। अब यहाँ से रॉ यानी कि कॉलम में हम नंबर्स ऐड करते रहते हैं, जो भी आपको मन करे, जितने का भी टेबल आपको ऐड करना हो या इंसर्ट करना हो, ठीक है, वो हम ऐड कर देंगे। फिर एरिया सेलेक्ट करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से रॉ इनपुट सेल, ठीक है, रॉ इनपुट में A4 और कॉलम में B4 और ओके कर देंगे, ठीक। जैसे ही हम ओके करेंगे वैसे ही हमारा जो है टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हम खाली फर्स्ट रॉ में नंबर चेंज करेंगे या और ऑटोमेटिक उसका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम बीच में करते हैं तो हमारा टेबल इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से चेंज किया देखिए और ऑटोमेटिक पूरी टेबल इंसर्ट हो जाती है। ये था हमारा टेबल वाला ऑप्शन। टेबल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, तो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। तो कॉलम में टेक्स्ट करना, तो एक ही कॉलम में पहले हम टेक्स्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक किया, अब यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, अब यहाँ से हमें जैसे स्पेस में चाहिए तो स्पेस पे क्लिक किया। अब ये देखिए हमारा स्पेस यहाँ से प्रीव्यू हो रहा है, और यहाँ से नेक्स्ट और फिनिश, ठीक। अब क्या होता है, जो भी टेक्स्ट था हमारा एक एक कॉलम में डिवाइड हो गया है। ये था टेक्स्ट टू द कॉलम। इस तरह से हम टेक्स्ट को भी कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो है अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी उसको भी पता चल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बिल कैसे बनाएंगे, ठीक है।